नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं ना। इस साल चुनावी साल है और चुनाव को जीतने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई है। बिहार में विधानसभा सत्र का आज 10वां दिन है और आज सदन में जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे जीतन राम मांझी, बिहार के विधानसभा में पहुंचे और वहाँ मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से अभी महागठबंधन में सीटों के लेकर के तय नहीं किया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि तमाम जो महागठबंधन के पार्टी हैं वो बैठकर अपने अपने सीटों को लेकर के वो चर्चा करेंगे और ये इसका जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। और साथ ही बिहार के जो विपक्ष के जो नेता तेजस्वी यादव हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो भी उसमें तय किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अभी इन सभी चीजों पर चर्चा नहीं की गई है। आगे जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, ये चीज को हम कुछ कहेंगे उचित नहीं है। उनकी मांग है, अपना जगह पर है, हम लोग भी मांग करते हैं, हम लोग भी मांग करते हैं, लेकिन इसीलिए तो बात हो रही है कि ये सब एक जगह बैठ करके तय होगा। ये जरूर है, एक लक्ष्य है कि हम लोग हर हालत में NDA को शिकस्त देना चाहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कौन किसको सीट मिलेगा वो मामला नहीं है, मामला है कि कौन सीट से कौन जीतेगा। इस तरह से जो विजयी कैंडिडेट को हम लोग घोषित करेंगे और वो बैठ करके बात करेंगे। अब उसके पहले कौन का कहता है वो सब उसकी अपनी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, क्या आप मानने को तैयार हैं? देखिए, ये तो आप लोग लड़ा देते हैं बात को। सवाल है यहाँ पर तो मीरा कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सब अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन डिसीजन एक तरह होगा जब महागठबंधन का महागठबंधन अब बैठेंगे तो तय कर लेंगे कि कौन नेता होगा। सर, आप कितनी सीट पर दावा कीजिए? कुछ नहीं दावा किया, साथ में बैठेंगे तो हम लोग बात करेंगे। अब आपको कह ही रहे हैं कि हम लोग सीट की बात नहीं करेंगे, सर। ये महागठबंधन में आप लगातार मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव जीत गया, विधानसभा चुनाव भी मांग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, लेकिन वो बन ही नहीं रही। देखिए, ये अर्थमेटिक नहीं है कि दो चार होता है, ये सामाजिक थॉट्स है और इसमें आगे पीछे होता है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सी बाधाएं हैं, सबको दूर कर करके हम समझ रहे हैं हर हालत में हम लोग मार्च महीना में इसको सॉल्व करें। अच्छा, लालू जी से मिले क्या बात करी? अभी नहीं मिले हैं। सीटों पर तो चर्चा हुई होगी? मिलेंगे सर? नहीं नहीं, अभी नहीं मिले, आगे मिले। नहीं, नहीं, मिलेंगे तो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बनाइए, बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी अब न बनेंगे। अभी तो भेंट में तो मत भूत की बात, आज हम कैसे बात न कैसे बनेंगे, कैसे आप RJD वाले चूहा लेकर आए थे, आज प्रदर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे कि चूहा बजट बन रहा है, चूहा शराब पी रहा है, शराब पी रहा है, चूहा दवाई खा जाता है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन प्रदर्शन किए विधान परिषद में, एक बात रावड़ी जी भी थी सब लोग। बिहार में कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्या भाई शराब है, शराब तस्वीर कहीं लोग रखते हैं, बेच देते हैं, पी जाते हैं और जब खुशन करने की बात आती है तो कहता है चूहा काट दिया है। ये बड़का बड़का इम्बैकमेंट से यहाँ है तो टूट जाता है तो लोग कहते हैं चूहा उसमें छेद कर दिया था। तो इस दृष्टिकोण से लाए थे तो यहाँ की बिहार सरकार को समझना चाहिए कि चूहा फैक्टर नहीं है, आपको संजीदगी रूप में करना चाहिए और मैनेजर पहले करना। होली मनाएंगे सर, बहुत बहुत शुभकामना होली का आप लोगों का। और हम होली नहीं मनाते हैं, दशहरा नहीं मनाते हैं, सदा दिवाली संत घर, दिन की होली रात मनाती, होली मनाती मनुष्य। तो आपने सुन लिया किस तरह से उन्होंने अपने महागठबंधन की पार्टी का सफाई देते हुए कहे हैं कि आप लोग तो मीडियाकर्मी हैं और बहुत सारे ऐसे बयानों को लेकर के आप खबर में चला देते हैं कि महागठबंधन में तकरार है, एकजुट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, महागठबंधन में एकजुट है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में एकजुटता दिखाई नहीं देती है। वहीं जीतन राम मांझी एक तरफ अपने ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और दूसरे तरफ अपने पार्टी की ही सिफारिश करना शुरू कर देते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि महागठबंधन में तकरार है लेकिन शो नहीं करते हैं। आगे देखना यही होगा कि क्या यही हालात महागठबंधन के रहेंगे या फिर बदलते तस्वीर बिहार को देखने को मिलेगा। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है और सिटी पोस्ट को देखना न भूलें क्योंकि
इस साल चुनावी साल है और चुनावी साल में आपको हर खबर सिटी पोस्ट दिखाता रहेगा। धन्यवाद।